भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। यहाँ पे ये कह रहे ना तो बालापन से तो दुखी है, ना जवानी से दुखी है, ना बुढ़ापे से दुखी है, यहाँ भी काय से दुखी है, विद्या से। समझ में आ रहा, इनको समझ आ गई, दीक्षा ले ली। अब ये बुढ़ापन इनका अधमरा हुआ या पूरा जी गया? अब थोड़ी अधमरे रहे, है ना, ज्ञान आ गया ना? नहीं यार, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है, आत्मज्ञान। समझ में आ रहा, अभी छह डाले हमारे याद ना हो, लेकिन इतना तो याद हो गया ना कि संसार में सुख बस यही याद करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज को क्या याद आ गया, दीक्षा क्यों हो गई? क्यों नहीं ये समझ में आ गया कि संसार में छह डाले बड़े नहीं आए, उससे कुछ नहीं होता, और तुम्हें छह डाले आ रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आने की संसार में सुख नहीं। समझ में आ, ज्ञान किसे कहेंगे? बोलो बोलो। नहीं, जिसे समझ आ जाए। अभी तुम्हें छह डाला तो याद कर लोगे और बोल भी दोगे कि संसार में महाराज क्या नहीं है, सुख नहीं है, और इनको तो छह डाला नहीं आती, लेकिन इन्हें क्या आ गया? ये तो शब्दों का ज्ञान है, ये तो ज्ञानावरणी का काम है, लेकिन इस शब्द को रटे से तोता ने राम राम रटा, तो क्या मतलब? राम जी आ जाए तो उन्हें भी नहीं पहचान। तो वैसे अपन लोग है ना, कि ये पढ़ तो रहे छह डाला, ये संसार के दुखों को भी समझ रहे हैं, दुख सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें सुख खोज रहे हैं, है ना? ज्ञान किसे कहे? सम्य ज्ञान को ज्ञान कहा है, शब्दों का ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं है। इसलिए जो इस सम्यक ज्ञान को नहीं जानता, जो सम्यक दर्शन और चरित्र को नहीं जानता, उसके लिए लिखा है अर्धमृ तक समय बूढ़ापन। वो इधर मत लगाना, अर्धमृ तक सम, समझ में आ रहा? ये जिंदा है और ये जितने बैठे कुर्सी तो बूढ़े बूढ़े, फिर क्या है? कभी किसी मुनि के आगे टाइटल देखा अधमरे महाराज खींचे, किसी ने बोला आज तक? नहीं, लेकिन तुम लोगों को तो बोलते अधमरा है बूढ़ा, बोलते कि नहीं? महाराजों को नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया, ध्यान रखना, किताब और शब्द समझ आए या ना आए, छह डाला पढ़ने के बाद तुम्हें चलाइन याद रहे या ना रहे, तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि संसार में सुख नहीं, और मैं ढूंढ रहा हूं, ये मेरी मूर्खता है। मैं रेगिस्तान में पानी तलाश रहा हूं, मैं हड्डी में खून पिया हूं। समझ में आ रहा? इतना समझ में आ जाए सम्य दृष्टि बन जाती। लेकिन पढ़ने के बाद भी सुख काय नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है दौलत राम लिख गए फालतू बैठे दिखा ले, है ना? सुख काय में लगा, जिस दिन ऐसी अनुभूति हो जाए इस संसार में सुख, संसार महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया। लगता है दुख, संसार दुख लगता है कि सुख लगता है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। नहीं, जब भोग भोगते हो तो कैसे लगते है? ठीक नहीं है, ठीक है तो भेजा रहा, कैसे लगते भोग भोग के समय? सुख लगता है कि नहीं, है ना? जिस दिन वो सुख दुख लगने लगेगा उस दिन छूट जाए, है ना? भोग जब भोग चुके तब बुरे लगते हैं, गुस्सा करते समय गुस्सा कैसा लगता है? अच्छा,
लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तब लगता है कि बुरा था, है ना? नहीं आ रहा समझ? चोरी करते समय चोर को कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? अच्छा लगता है। पुलिस का डंडा पड़ता है तब कैसा लगता है? समझ में? भूख लगी तो खाते समय अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट भर गया लगता है आज तो खा लिया, उपवास कर लिया। कब लगता है? खा चुके होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये पहले लगना चाहिए। तो जिस दिन अपने को ये संसार दुखी में, अभी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन अभी ये संसार दुखी लग नहीं रहा है। अब पढ़ के अपन को क्या अनुभूति लाना है कि संसार में सुख नहीं, नहीं। कैसे रूप लखे अपनो बुढ़ापे तक तू इस बात को समझ ही नहीं रहा कि संसार में दुख है, तो अपना रूप कैसे लगेगा? फिर क्या करता है, कभी कभी पढ़ लिया, महाराज ने समझा दिया, तो क्या करता है जीव? चलो भैया नियम ले लो, रात में नहीं खाएंगे, है ना? नियम ले लो, ब्रह्मचर्य से रहेंगे। लेकिन ले तो लिया, लेते समय भी नियम अच्छा लगता है, लेकिन ज्यों ज्यों पुराना होता है त्यों त्यों क्या होता है, उस नियम के प्रति भाव हमारे कैसे होते हैं? एक बात बता, जब पहली बार मंदिर गए थे तब कैसा लगा बोलो, और रोज रोज जाने लगो तो फिर कैसा लगता है? या तो कोई रोज ठीक ना, समझ में आया? वो आदत बन गई इसलिए नहीं लगता। भगवान से भी प्रेम थोड़ी है, हैबिट में रोज जो अखबार पढ़े और एक दिन नहीं पढ़े उसे अटपटा लगता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, अटपटा लगता है, कोई काम नहीं हुआ कोई काम। तो जिनकी मंदिर जाने की आदत पड़ रही है ना, तो ऐसा नहीं कि वो धर्मात्मा है, वो तो हैबिट के कारण उसे बुरा लग रहा है। रोज रोज छत पे पड़ोसी से बात करो, जब पीहर चली जाए तो क्या लगता है? कोई पड़ोसी से प्रेम थोड़ी है तुम्हें, टाइम पास का साधन गया, है ना? नहीं आ रहा समझ? उससे कोई बड़ी वाली लगाव है क्या? यदि लगाव है तो अपनी प्रॉपर्टी दे दो उसको, दोगे क्या? लगाव तो औलाद से है, उससे तो टाइम पास है, समझ में आ रहा? यदि भगवान से लगाव है तो जगत की प्रॉपर्टी जगत को दो, और ये वाली पकड़ लो प्रेम ने, तो ये तो करोगे नहीं। तो बोले मंदिर आज नहीं गए तो बुरा लग रहा, तुम्हें धर्मात्मा थोड़ी है वो, है ना? उसे तो भोग बुरे लगना चाहिए। क्लियर होगा? बोलो सही है कि गलत? जिस सहेली से वह दोस्ती है, रोज घंटों बाद करती हो छत पे, और वो दो दिन को चली आए तो कैसा लगेगा? तो वो तुम्हारा सहेली से प्रेम है या बातों में मजा आता था इसलिए बुरे लग रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, है? कि है तो फिर उसको दो, दे दो कि तेरा बहुत प्रेम है मेरे से, जी मकान चलते थे काम करते। और लड़के से भले रोज ना बोलो छत पे, लेकिन क्या है बोलो, मकान किसे दोगे? भले वो जवाब दे दे फिर भी क्या है उससे? ऐसा भगवान से है क्या? नहीं है। भगवान ने थोड़ा ही सा दुख दिया ना, चलो ये वाले छोड़ो दूसरे भगवान के, है ना? नहीं तो फिर जब तुमको भिखारी भगवान दिए तो उन्हें क्यों पूछते हो? इसका मतलब तुमको प्रेम नहीं है। जब अपने घर में सब साधन है तो बहु पड़ोसन के यहाँ जाके क्यों बैठती है? उसे मजा नहीं आ रहा है इसमें, कितने भी साधन लगे, समझ में आ रहा? जब आपका भीतरागी वंश में जन्म हुआ है, देवशास्त्र गुरु है, तो गुरु को देव क्यों पूछते हो बोलो? उत्तर दो। जबकि मंदिर भी रोज जा रहे हो, पूजा भी रोज कर रहे हो, उन्हें भी पूज रहे, इसका मतलब क्या है? हम अपने पति का खाना भी बनाएंगे, सेवा भी करेंगे, उसके साथ रहेंगे भी, लेकिन पड़ोस में भी थोड़ी देर हो जाए, इसका मतलब क्या है? दाल में प्रेम नहीं है आपको ईश्वर बोलो?
जा रहे हैं कि हाँ जी यदि चलो वैष्णव देवी चलो यहाँ चलो वहां चलो उसको माता उसको पिता ये क्या है भगवान से प्रेम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि सुखी रहोगे कि दुखी दुखी रहोगे तो ऐसी कभी जमी इस जीव ने मंदिर का नियम ले लिया तो शुरू शुरू में तो अच्छा लगा बड़ा बढ़िया रोज रोज में फिर वो हैबिट हो गई फिर ज्यादा उससे उद्देश्य नहीं बचा एक पूजा दो पूजा तीन पूजा धीरे धीरे वो पूजा भी आदत बन गई कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिग में सुल्तन भरे ये जबरदस्ती का धर्म समझ में आ रहा नहीं आ रहा दिल का धर्म नहीं है कैसा धर्म है ये इसको बोलते अकाम निर्जरा अब नियम ले लिया रात्रि भोजन का अपने बनाई रहा कितने दिन का लिया बोले महीने भर का अब वो 25वें दिन पहुंचते पहुंचते लगता है 5 और कैसे बीते है ना ये कहलाती अकाम निर्जरा बिना मन की है ना अब बैठ गए क्लास में क्या करें मन तो चलो भैया जाना पड़ेगा चौमासा कराया है महाराज कहीं क्यों आता नहीं है ना भैया वकील में बोले नहीं आता अब महाराज एक आध दिन टोका दो दिन आया तीन दिन फिर गायब कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में नहीं आ रही बात समझ नहीं जाओगे तो टोकेंगे महाराज डांटेंगे बोलेंगे कहा रे कहा था आता नहीं ये नहीं है केवल स्टेज माइक मंच के लिए आता था तो चलो भैया चलना तो पड़ेगा है ना अकाम निर्जरा जबरदस्ती क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा करने से भवनत्रिक में क्या बनता है व्यंतरवासी देव विमानवासी भवनवासी देव और ज्योतिष देव तीनों मिथ्या दृष्टि धर्म भी कभी कभी अपन बिना इच्छा के करते हैं करते कि नहीं करते कई नियम अपने ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती निभा रहे हैं या नहीं वो अकाम निर्जरा माला भी पे रहे मन तो लग नहीं रहा लेकिन दुरिया सटका ना नमो रे थर्ड नमो से अकाम निर्जरा बिना मन के काम लेकिन ऐसा करने से भी क्या मिलती है देवगति मिलती है तो फायदे में है ना लेकिन आगे भी दशा बिगाड़े